नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशराज सॉल्यूशंस और मैं हूं आपका अपना दोस्त टेक्निकल मुकेश। तो जी हां दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बड़ी ही अल्टीमेट और कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूं क्रोम के ऐसे न्यू बिल्ट इन टूल की जो आपके स्क्रीन शॉट के काम को बड़ा ही आसान बना देगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अपनी डिवाइस पर आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है क्रोम। यदि आपका क्रोम ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं है तो यहाँ से सिंपली अपडेट बटन पर टैप करके इसे लेटेस्ट वर्जन में आप अपडेट कर ले। इसके बाद आपके इसमें जो न्यू टूल है वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ हमारा ब्राउजर अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से ओपन बटन पे टैप करके इसे ओपन कर लेना है और उस वेब पेज को आपको ओपन करना है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। तो सिंपली इसके बाद आपको न्यू टूल को यूज करने के लिए क्रोम ब्राउजर के राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पर आपको सिंपली यहां थ्री डॉट्स पर टैप कर लेना है। थ्री डॉट्स पर टैप करने के बाद आपको शेयर ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद आपको यहां न्यू टूल देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट, तो सिंपली यहां पर आपको टैप कर लेना है। इस टूल में आपको तीन फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्रॉप, टेक्स्ट, ड्रॉ। तो चलिए यहाँ फर्स्ट फीचर को कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्रॉप पर यहाँ टैप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ सिलेक्शन टूल से उस वेब पेज का एरिया हम सिलेक्ट करेंगे जितना हम स्क्रीनशॉट के रूप में सेव करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप डन बटन पे टैप करेंगे। ऊपर से आप अंडू रिडू भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्क्रीनशॉट में, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट पर टैप करना है। उसके बाद आपको टैप टू टाइप वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप करना है। यहाँ अपने टेक्स्ट के लिए आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स में जो अपना टेक्स्ट है वो आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप डन बटन पर टैप करेंगे। इसके बाद आप इस टेक्स्ट को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और फीचर दे रखा है, इसमें आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, और यहाँ एक कैंसिल का भी ऑप्शन दे रखा है जिसे आप कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली आप डन बटन पर टैप करें। इसके बाद थर्ड फीचर की बात करें तो अपनी स्क्रीनशॉट में डूडलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले अपनी डूडलिंग के लिए या ड्रॉइंग के लिए कलर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप इसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ अंडू रीडू का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक, इसके बाद फाइनली आप डन बटन पर टैप करेंगे। अब इस स्क्रीनशॉट को शेयर या सेव करने के लिए सिंपली आप नेक्स्ट बटन पर टैप करें। यहाँ से आप इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं, अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं अपनी डिवाइस में से सेव करता हूँ और सिंपली इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ तो हमारी स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से इस न्यू टूल से आप बड़ी ही आसानी से हार्ड कीज प्रेस किए बिना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।